ये देखिए आप, छिंदवाड़ा भास्कर में भी आया था कि वनवास के दौरान गोमुट कुंड में माता सीता ने स्नान किया, स्नान एक आगे बढ़े श्री राम। जो प्रभु श्री राम छिंदवाड़ा की धरा पर थे पधारे। ये देखिए आप, इसमें पूरा बताया गया कि छिंदवाड़ा में भी राम जी वनवास के दौरान आए थे, ये नक्शा भी इसने बताया है और किस तरीके से आए थे, ये पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और ये नक्शा देखिए आप, श्री राम वन गमन का जो नक्शा है वो छिंदवाड़ा में कैसे आते हैं ये पूरा बताया उन्होंने। और ये पूरा श्री राम छिंदवाड़ा की धरा पर पधारे। बहुत अच्छा वीडियो है ये, इसमें हमें छिंदवाड़ा में कहाँ पे आए थे इसकी जानकारी मिल रही है। और ये देखिए आप, जो सबूत है कि छिंदवाड़ा में भी श्री राम जी आए थे, कुछ मूर्तियां जो मिली है, देखिए श्री कृष्ण का जो पूजन करते हुए, देखिए नीलकंठी में प्राचीन मूर्तियां जो दिखा रहे हैं, ये पूजन करते हुए हैं। फिर ये श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली है, हाँ 1907 में छिंदवाड़ा गजेटियर में नीलकंठी के बारे में जो छपा हुआ है, या लगवाना है इसको। विष्णु जी क्या होगा, इतने सबूत जो बतलाए गए हैं कि 1907 में जो छिंदवाड़ा गैजेटियर में भी इसके बारे में बतलाया गया है, अगर आप इसको पोस्ट करके पढ़ेंगे। कि भाई कैसा ये सब सबूत है। तो छिंदवाड़ा में भी श्री कृष्ण श्री राम जी आए थे वनवास के दौरान में, इससे सिद्ध होता है। आप पॉज करके वीडियो को पढ़िए। जय श्री राम।